जब मैं स्कूल में था तब मैं दो चीजें ही करता था, कंप्यूटर गेम्स प्रोग्राम करता था, मेरे डैडी ने मेरे लिए एक उस टाइम नया नया पीसी खरीदा था, और दूसरा मैं वॉलीबॉल खेलता था, आई वाज अ नेशनल लेवल वॉलीबॉल. तो मेरे पैशन ये दो ही थे, एंड वो पैशन मेरा एक तरह से कंप्यूटर गेमिंग और प्रोग्रामिंग में घुस गया. और मैं बात कर रहा हूँ 1995-96, एंड उसी दौरान मुझे गेम्स प्रोग्रामिंग का एक बहुत बड़ा चस्का लग गया, और मैंने बहुत सारी गेम्स प्रोग्राम की. इनफैक्ट 1998 में कारगिल वॉर के टाइम मैंने पहली वॉर गेम बनाई थी एक्चुअली. तो ये मेरी कोई फर्स्ट टाइम मैं फौजी नहीं बना रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी कारगिल वॉर के टाइम बनाई थी गेम, और उसका नाम था योद्धा, जो हमने 2000 में लॉन्च भी की थी. सन 1999 में मैंने अपनी कंपनी, जब मैं 20-22 साल का था, फर्स्ट टाइम मैंने फंडिंग भी रेस की. बहुत सारे इंडियन वेंचर कैपिटलिस्ट लोगों ने हमारी कंपनी में पैसा लगाया, और इंडिया गेम्स कंपनी के नाम पे मेरी कंपनी का लॉन्च हुआ 1999 में. इंडिया गेम्स पहली कंपनी थी जिसने मोबाइल फोन पे गेम्स बनाना चालू किया. तो जब नोकिया का फोन था, हमने उस पर बहुत सारी गेम्स बनाई, हमने बड़े बड़े ब्रांड्स, टाइटल्स, आईपीज बनाए. आपको कुछ एग्जांपल किसी को याद होगा तो हमने आईपीएल की गेम बनाई थी, स्पाइडरमैन की गेम बनाई थी, शाहरुख खान के साथ हमने रावण गेम बनाई थी उनकी मूवी पे. तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइटल्स हमने 2000 से लेके 2012 तक हमने बहुत सारे टाइटल्स बनाए, और उस टाइम पे हम इंडिया की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी थी. हमारा तकरीबन 60-70% मार्केट शेयर हुआ करता था.